हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इंफोटेक। हुनर है तो कदर है। आज का हमारा जो क्लास है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण। तो चलिए हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यह दो भागों में, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। चलिए जानते हैं ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में कितने डिवाइड्स किए गए हैं। तो देख सकते हैं ह्यूमन डाटा एंट्री के अंतर्गत आता है आपका कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पीक डिवाइस। तो ह्यूमन डाटा डिवाइस क्या है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे हम ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस और पीक डिवाइस। वहीं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के रूप में डिवाइड किया गया है। चलिए हम जानते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है माउस, तो ट्रैक बॉल आपका माउस के जैसे काम करता है और ये लैपटॉप के अंदर होते हैं। थर्ड है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक आप लोग इसके बारे में परिचित होंगे, बच्चे इससे गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे लगा के, तो जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं। तो ये भी क्या है, ये तीनों पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो पिक डिवाइस जिसे पिक करके लिया जाता है, जैसे कि लाइट पेन, टच स्क्रीन का उपयोग भी आपका जो टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं या प्रिंटर होते हैं उस पर किया जाता है। देख सकते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइस, ये सोर्स डाटा एंट्री के अंतर्गत आते हैं। तो सोर्स डाटा इनपुट में पहले सबसे पहले आता है जो है ऑडियो है। ऑडियो में आपका आ जाता है स्पीच रिकॉग्निशन, यानी बोलते हैं और वो लिखा जाता है यानी टाइप हो जाता है, तो ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड के माध्यम से भी हम सोर्स डाटा एंट्री कर सकते हैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके। और माइक्रोफोन है, तो ये माइक्रोफोन के जरिए भी हम ऑडियो इनपुट डिवाइस कर सकते हैं। तो वीडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। इसका थर्ड है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये ऑप्टिकली रूप में होते हैं। तो ऑप्टिकल को कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि स्कैनर, इसमें एक ऑप्टिकल डिवाइस रहते हैं जहां पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट चित्र को स्कैन कर सकते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। ओसीआर, ये होते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये होते हैं एमआईसीआर होते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, जिसका उपयोग बैंक के चेक को चेक करने के लिए होता है। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके बारे में सभी परिचित होंगे, जो ज्यादातर ऑफलाइन एग्जाम दिलाते हो वो ओएमआर से होता है। बारकोड रीडर्स, जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर बारकोड होते हैं, जहां पर सामान की प्राइस, कंपनी का नाम, ये सारा चीज बारकोड एक लाइन होता है। कार्ड रीडर, तो पंच कार्ड रीडर, शुरू जो कंप्यूटर बना तो पंच कार्ड बना था, जहां पर छेद होता था, जिसमें जहां छेद होता था उसे एक और जहां छेद नहीं होता था उसे शून्य माना जाता था। तो इस तरह से हमारा इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण ह्यूमन डेटा एंट्री और सोर्स डाटा एंट्री के अंतर्गत डिवाइस किया गया है। तो कौन किसके अंतर्गत आता है, ये सारा चीज आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप इसे नोट करना चाहोगे तो नोट जरूर कर ले। जानते हैं ह्यूमन डेटा एंट्री क्या है। इसके अंतर्गत ऐसे डिवाइस आते हैं जो डायरेक्ट है कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, उसे हम ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए करते हैं। कीबोर्ड 81, 102, 104 की का होता है। वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित है, जिसे हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, वो 104 की होते हैं। और ये कुछ कीबोर्ड में कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये है हमारा F1 से F12 जो विशेष कार्यों के लिए होता है, इसे हम फंक्शन की कहते हैं। ये एस्केप की है, जो हमें कभी कभी प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं तो उसे हमें कट करने के लिए, बाहर आने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ टैब्स, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल की होते हैं। तो कैप्स लॉक, शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट जो की होते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट की, उसे हम मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की कहते हैं। जबकि कैप्स लॉक क्या करते हैं, ये हमें अक्षरों को कैपिटल या स्मॉल में बनाते हैं। और टैब हमारे स्पेस देने के लिए होते हैं, ये एक शब्द स्पेस आगे बढ़ने के लिए होते हैं। नंबर की, जल्दी नंबर को टाइप करने के लिए हमारे राइट साइड में नंबर दिए होते हैं, जिसे हम आसानी से नंबर टाइप करते हैं, इसलिए इसे हम नंबर की या न्यूमेरिक की कहते हैं।
यहाँ डिलीट की होते हैं, किसी प्रोग्राम को किसी शब्द को डिलीट करना हो तो डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर बैक स्पेस की होती हैं, अगर कोई शब्द गलती से टाइप हो गया है तो इसे हमें हटाने के लिए हम बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। विंडोज, यहाँ विंडोज बटन है जो हमारा विंडो प्रोग्राम ओपन करते हैं। अल्ट बटन के बारे में पहले ही बता दिया हूँ, ये कॉम्बिनेशन की है। और यहाँ स्पेस बार जो बड़े साइज में होते हैं उसे स्पेस बार बोलते हैं, जो दो शब्दों के बीच में, दो अक्षरों के बीच में स्पेस देते हैं। और ये जो पूरे ये शब्द है इसे हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट ए टू जेड और 0 to 9 नंबर्स दोनों होते हैं, इसलिए इसे हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में होते हैं सबसे पॉपुलर माउस। यह एक सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सिलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जुड़ा होता है। जो पहले पोर्ट था वो PS2 था, फिलहाल आजकल USB पोर्ट चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो माउस का पोर्ट है ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, PS2 पोर्ट में माउस का जो पोर्ट है उसमें लगा रहता है। ट्रैकर बॉल या ट्रैक बॉल भी माउस की तरफ पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें ऊपर की तरफ एक बॉल होती है जिसे उंगलियों से पकड़कर घुमाया जाता है। इस बॉल को घुमाने से स्क्रीन पर उपस्थित कर्सर घूमता है, गेंद जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में पॉइंटिंग घूमता है। इसमें भी माउस की तरह दो बटन होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर क्लिक किया जाता है। जो ब्लैकबेरी का मोबाइल था पहले उसमें एक माउजर हुआ करता था जिसमें पॉइंटर होता था, जैसे बॉल को घुमाते थे उस तरह स्क्रीन पे चला जाता था। तो ये ट्रैक बॉल, ट्रैकर बॉल हमारे जो लैपटॉप होते हैं उसके अंदर पे लगे रहते हैं जो माउस की तरह काम करते हैं। जॉयस्टिक, यह एक छड़नुमा आकृति होती है जिसे हाथ से पकड़कर घुमाने से उसके अंदर लगी गेंद घूम जाती है। हैंडल को घुमाने से स्क्रीन पर चलती हुई वस्तु की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए यह डिवाइस बच्चों के द्वारा कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के काम ली जाती है। वैसे अधिकांश गेम्स कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु जॉयस्टिक से खेलना सुविधाजनक होते हैं, तो इससे गेम के लिए प्रयोग होते हैं। डिवाइस, तो हमारा थर्ड है पिक डिवाइस। पिक डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट पेन। यह डिवाइस देखने में साधारण बॉल पेन जैसे होती हैं। इसमें स्क्रीन पर सीधे ही कोई आकृति बनाई जा सकती है। इसके एक सिरे पर पतली टिप होती है और इसमें एक फोटो सेल लगा होता है। इसका दूसरा सिरा कंप्यूटर के CPU से जुड़ा होता है। टच स्क्रीन, यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। टच स्क्रीन में अवरक्त किरणों की सतह पर घूमती रहती है। जब उंगली से प्रदर्शित विकल्पों को छूते हैं तो किरणों की गति प्रभावित होती है तथा उसकी स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। स्थिति के अनुसार कंप्यूटर चिन्हित विकल्पों को क्रियान्वित करता है। और टच स्क्रीन का प्रयोग बैंकों में, ATM, जैसे ATM में देखे होंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन में टच करके हम पैसे निकालते हैं, तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र इंफॉर्मेशन कियोस्क में भी किया जाता है। आपके स्मार्टफोन्स तथा टैबलेट कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। सोर्स डाटा एंट्री के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे डिवाइस आते हैं जिसे हम जरूरत पड़ने पर ही कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इसलिए इसे हम सोर्स डाटा एंट्री कहते हैं। यानी इसमें सबसे पहले आता है आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस में आता है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डेटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है तथा उस टेक्स्ट को प्रदर्शित भी किया जा सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक माइक्रोफोन आवाज
को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर से डिजिटल डाटा में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से हम स्पीच रिकॉग्निशन से एक ऐसा डिवाइस के माध्यम से हम कुछ बोलकर डेटा को एंट्री करते हैं और वो ऑटोमेटिक टाइप होते हैं। गूगल असिस्टेंट इसका उदाहरण है, जहाँ पर आजकल बहुत ही पॉपुलर है, बोलकर ही कुछ भी चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन है हमारा माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों का एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। जो आपके पास माइक होते हैं उसे साउंड कार्ड द्वारा हम डिजिटल संकेत में बदल सकते हैं। तो माइक्रोफोन का प्रयोग हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में, मल्टीमीडिया में जैसे आवाज करने में, ऑडियो फाइल तैयार करने में तथा इंटरनेट पर बातचीत करने में लिए जाते हैं। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए हम ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारा वीडियो इनपुट डिवाइस, तो वीडियो इनपुट डिवाइस में आपका आता है वीडियो कैमरा। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को चलचित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा यह एक सामान्य डिजिटल कैमरा की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशी सूचना को विद्युत तरंग में बदल देते हैं और कंप्यूटर को दे देते हैं। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि में किया जाता है। तो ये जो डिजिटल कैमरा होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में वेब कैमरा के माध्यम से हमारा आवाज, वीडियो, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाते हैं। हम वीडियो चैटिंग करते हैं यानी वीडियो कॉलिंग्स करते हैं, वो भी डिजिटल कैमरा के माध्यम से होते हैं। हम जो क्लास लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल लेते हैं, जैसे जूम मीटिंग से लेते हैं या गूगल मीट से, ये भी डिजिटल कैमरा की वजह से संभव हो पाता है। थर्ड है हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में सबसे पहले स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, यह एक इनपुट उपकरण है। इसके द्वारा किसी लिखित दस्तावेज आकृति को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो स्कैनर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लिखित दस्तावेज हो या कोई चित्र हो उससे हम, क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो हार्ड कॉपी में होते हैं, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में पढ़ने के लायक बनाने के लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज के सीट पर पेंसिल या पेन की चिन्ह से उपस्थित या अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है। जिन गोलों पर चिन्ह नहीं होते हैं वहां से प्रकाश गुजर जाता है और जहां पर चिन्ह होते हैं वहां पर प्रकाश रुक जाता है। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के जांच करने में किया जाता है। इसके बारे में सभी परिचित होंगे, OMR बेस्ड ही ज़्यादातर आपका एग्जाम्स होते आए हैं। अब हालांकि CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने लगे हैं। OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में डेटा लिखने के लिए अक्षरों का एक मानक सेट होता है। क्या है ये, अक्षरों का एक मानक सेट है जिसे मशीन या मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकता है। इन्हें OCR मानक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक अक्षर को एक प्रकाश सोर्स से प्रकाशित किया जाता है और OCR से नीचे रखी हुई फोटो सेंसेटिव मशीन पर प्राप्त कर पढ़ा जा सकता है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होते हैं। इस उपकरण का मुख्यतः उपयोग बैंकों में किया जाता है। बैंक के चेक के नीचे MICR द्वारा बैंक के कोड संख्याएं, ग्राहक खाता संख्या तथा बैंक की राशि प्रदर्शित किया जाता है। OBR का मतलब है ऑप्टिकल बार्क रीडर। यह एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो लाइनों के रूप में प्रदर्शित डेटा को पढ़ सकते हैं, जिन्हें बार कहते हैं। इसमें वर्टिकल बार अलग अलग डेटा के लिए निश्चित किए होते हैं। जो बार में किसी उत्पाद की विभिन्न सूचना है, जैसे उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का नाम, उत्पाद की तिथि आदि अंकित हो सकती है। इस तरह से हम इस वीडियो में जाने की क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस क्या है और इनपुट डिवाइस में कितने भागों में वर्गीकरण किया है, एक तो ह्यूमन डेटा एंट्री में और दूसरा सोर्स डाटा एंट्री में। वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का। ये हमारा सेकेंड वीडियो था और थर्ड वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे से कोपा का सारे थ्योरी और प्रैक्टिकल का चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट्स रहता है, कोई भी क्वेरीज रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोपा से रिलेटिव PDF डॉक्यूमेंट या PPT या अन्य कोई भी डेटा या आपके स्टडी मटेरियल हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड करते हैं।
तो आप हमारे कोपा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स सेंड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस पे।